हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है आपके लिए गुरुनीति लेकर के आए हैं 16वां। ठीक है, तो इसमें हम लोग वेव थ्योरी 1 डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने वेव थ्योरी को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है उसमें वेव इक्वेशंस और स्ट्रिंग में वेव की बात कर रहे हैं। अगली लेक्चर में जो है हम साउंड वेव की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वेव थ्योरी का पहला गुरुनीति। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है y of x comma t equal to 0.8 divided by एक equation दे रखा है, represents a moving pulse where x and y are in meters and t is in second. Then, ठीक है, अब ये कुछ options दे रखे हैं ना, the pulse is moving in the positive x direction in 2 second. ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इस pulse को थोड़ा analyze कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x का coefficient देखें और अगर हम t का coefficient देखें और यहाँ पर अगर हम लोग wave की velocity लिखें, तो wave की velocity जो होती है ये omega by k होती है, और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो वेव जो होगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा। यहाँ पर हम लोग इसको नेगेटिव लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और के हो गया 4, के की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5/4 मीटर पर सेकेंड। तो पहला बात है कि पल्स इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये गलत है। पल्स इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इन 2 सेकंड्स इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर मैं एक्स लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 5/4 × 2, तो ये 2.5 मीटर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां पर हम पार्टिकल के मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर वाई है, तो वाई मैक्सिमम कब होगा? जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। और अगर डिनोमिनेटर में से अगर मैं ये वाली क्वांटिटी देखूं, तो ये वाली क्वांटिटी जो है इसमें स्क्वायर आ रहा है ना। स्क्वायर आने का मतलब ये है कि ये क्वांटिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। ठीक है, तो अगर वाई मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, ये क्वांटिटी मिनिमम 0 हो सकती है। इसका मतलब जो वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये हो जाएगी 0.8 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 0.16, है ना। तो ये थर्ड आंसर जो है ये भी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों सही है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, बोथ 2 और 3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ट्रांसवर्स साइनसोइडल वेव मूव्स अलोंग ए स्ट्रिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट ए स्पीड 10 सेंटीमीटर। द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 0.5 मीटर एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। The snapshot of the wave is shown in figure. The velocity of point P and its displacement is 5 cm. तो हमसे इसमें velocity पूछी गई है particle P की। तो मतलब particle हमारा ये upward भी जा सकता है या downward भी जा सकता है। तो हमें पहले पता करना है कि ये particle upward जाएगा या downward। तो हम लोग क्या करते हैं, एक wave बनाते हैं इसके साथ में। ये इस तरीके से ये हमने wave बना ली। तो अब हम लोग देखें तो ये particle जो है ये इससे upward जा रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, ये पॉजिटिव j डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं इसके वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। तो ये SHM करेगा, तो SHM वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग। B इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a माइनस x स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या है, x दे रखा है, a दे रखा है। तो a और x की वैल्यू अगर मैं लिखूं, तो एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और जो x दे रखा है ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसके बारे में तो हमें कुछ बात नहीं करनी है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात करते हम लोग ओमेगा की। तो ओमेगा जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है, बी इक्वल टू होता है हमारे पास ओमेगा बाई के। तो ओमेगा हो जाएगा बी इंटू के हो जाएगा। अब के को हम लोग कैसे लिखेंगे, बी इंटू 2π/λ। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है, इसको अगर मैं यहां पे लिखूं तो बी जो लिखा जाएगा ये बी वेव की वेलोसिटी हो गई इंटू 2π/λ और यहां पे आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये तो समय समझ में आ गया, पॉजिटिव बाई डायरेक्शन में जा रहा, तो आंसर हमारे कौन सा हो जाएगा, पहला आ जाएगा जी। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन अ वेव ट्रैवल्स इन अ मीडियम द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y इक्वल टू a sin 2π/bt − cx वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट्स। The maximum particle velocity will be twice the wave velocity, है ना? कहते हैं particle की velocity की जो maximum value होगी, ये 2 times wave velocity के बराबर होगी। Particle की जो maximum velocity होती है, वो कितनी होती है? वो होती है a omega, है ना? Particle की maximum velocity होती है a omega, और 2 times, और जो wave की velocity होती है, ये होती है omega divided by k। यहाँ से omega और omega cancel हो जाएगा,
तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो एम्पलीट्यूड स्मॉल ए के बराबर है इज इक्वल टू टू टाइम्स, और अगर हम यहां से के लिखना चाहें तो के जो है वो टू पाई इंटू सी के बराबर है, तो डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू सी के बराबर है। यहां से 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अगर हम सी लिखना चाहेंगे तो सी को क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय पाई ए, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय पाई ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये बोला कि वेव पल्स ऑन ए स्ट्रिंग हैज द डायमेंशन शोन इन फिगर, द वेव स्पीड इज v, वन सेंटीमीटर पॉइंट o इज फ्री एंड, देन द शेप ऑफ वेव एट टाइम t इक्वल टू 0। तो देखो ये हमें बोल रखा है फ्री एंड से बोल रहा है, तो अपन लोग क्या करते हैं दो एंड होते हैं, तो फ्री एंड होता है और एक फिक्स एंड होता है, तो फिक्स एंड में हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो वहां पे 180 का फेस शिफ्ट लेकर चले बिल्कुल, और वेव जो होगी वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, मगर जो हमारे पास ये फ्री एंड होता है तो उसमें हम लोग ये मान के चलते हैं वो सर रिवर्स होगी, रिवर्स हो जाएगी। तो अब हम लोग इसको यही सॉल्व कर लेते हैं सर इसको बिल्कुल। ठीक है, अब मैंने ये वेव बना ली, अभी हमें जिस टाइम पे दिया हुआ उसी टाइम पे अगर मैं वेव बनाऊं तो ये कुछ वेव यहां बनेगी बिल्कुल, ऐसे बनेगी हमारे पास। तो ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है ये तो हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक हमें दे रखा है कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और ये हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब बात हो रही है हमारे पास कि इसकी स्पीड हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और बात करनी है हमें इस पे t इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो सिंपल से हमें फार्मूला लगाना है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है स्पीड इनटू टाइम जी, तो 3 सेकंड में ये वेव कितनी चल जाएगी 3 सेंटीमीटर इधर चली जाएगी और ये 3 सेंटीमीटर इधर आएगी। अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊं तो इसको यही बना लेते हैं या ये ऐसा करते हैं इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको, यहां ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हमें दे रखी है ये 2 सेंटीमीटर है और ये जो हमें दे रखा है ये 1 सेंटीमीटर, तो 3 सेकंड के बाद की अगर बात करें तो ये कितना चल जाएगा 3 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये जो वेव आएगी ये यहां तक आएगी और कुछ ऐसे आएगी, ये डॉटेड करके बना लेते हैं, और ये वाली जो वेव आएगी वो भी यहां पे आ जाएगी इसके साथ में और ये आ जाएगी, तो इधर वाले पार्ट से तो मतलब नहीं है, इस पे ये क्या होगा सुपरपोजिशन हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास बनेगा ये तो 0 का 0 रहेगा और ये 1+1 कितना हो जाएगा यहां पे ये 2 हो जाएगा, और ये जो रहेगा ये तो इतना ही रहेगा 1 सेंटीमीटर। तो मतलब हमारा आंसर आना चाहिए यहां पे तो मैक्सिमम आएगा ये 2 सेंटीमीटर और इधर आएगा 1, तो चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, आंसर 4th करेक्ट सही है जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एंड्स ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर ऑफ लेंथ l आर फिक्स्ड एट x = 0 एंड x = l, in one experiment the displacement of the wire is y1 equal to a sin pi x divided by l sin omega t and energy is e1, theek hai, and in another experiment its displacement is y2 equal to a sin 2 pi x by lambda sin 2 omega t, its energy is e2, theek hai। then ab dekhen ek baat hum samajhte hain ki wave ki jo energy hoti hai, hai na, hum jante hain ki wave ki energy jo hai wo amplitude ke square ke proportional hoti hai, aur jo wave ki energy hoti hai वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कहते हैं तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें दो वेव में इन दोनों वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये तो सेम है, लेकिन अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, तो लेट्स से हम यहां से e1 डिवाइडेड बाय e2 लिखना चाहते हैं, तो e1 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, ये ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं e2 इज इक्वल टू 4e1, 4 टाइम्स e1 है ना, e2 इक्वल टू 4 टाइम्स e1, तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट पास करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये बोला ए स्ट्रिंग ऑफ मास 0.2 केजी पर मीटर हैज लेंथ 0.6 मीटर इज फिक्स्ड एट बोथ एंड and the stretch such that it has a tension of 80 newton. The string vibrates in 3 segments with maximum amplitude 0.5 cm. The maximum transverse velocity amplitude is. तो हमसे ये बोला है कि इसमें अधिकतम कितना हमारे पास इसमें वेग आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक स्ट्रिंग है और उसकी हमें लेंथ दे रखी है और ये फिक्स्ड है दोनों एंड पे। तो अगर आप लोग स्ट्रिंग बना लें यहाँ पे एक स्ट्रिंग ये और यहाँ पे, तो सबसे पहले जो हमें डेटा मिलेगा वो हमें बता रहा है ये 3 सेगमेंट में ऑसिलेट हो रही है, तो मतलब यहां से जो आएगा ये
इस तरीके से आएगा, मतलब हमें यहां से मिल जाएगा वेवलेंथ मिल जाएगा। अब ये बोला था मैक्सिमम ट्रांसवर्स वेलोसिटी का हमें, मैं मतलब मैक्सिमम ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमें बतानी है। तो अपन लोग क्या करते हैं, यहां से जो लैम्डा अगर मैं लिखूं, जो एल लिखा जाएगा वो तो हो जाएगा कितना, 3 लैम्डा बाई 2 मिल जाएगा। तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 2 एल बाई 3, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एल, हमें कितना दे रखा है 0.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.4 आ गई, ठीक है। अब हम लोग स्पीड की बात कर लेते हैं, तो b इक्वल टू अगर मैं लिखूं तो ये हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू t बाई म्यू आ जाएगा। तो टेंशन हमें दे रखा है कितना 80, और म्यू जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा, 400 का आ जाएगा ये 2। तो ये तो हमारे पास स्पीड आ गई, ठीक है। अब हमसे बोला है, तो अब हमें बी मैक्स बताना है, तो बी मैक्स के लिए अपन लोग लिखेंगे, नेक्स्ट पे आगे बात कर लेते हैं। तो बी मैक्स को अगर मैं लिखूं तो ये लिखा जाएगा ए इंटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है, ओमेगा अपन लोग फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा जो हमारे पास आएगा बी इक्वल टू अगर मैं लिखूं ये पार्टिकल के लिए, तो ओमेगा बाई के आ जाएगा, और ओमेगा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी बी इंटू के, बी इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। इसको अपने लोग यहां रखेंगे तो अपने पास बी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर अपना 6 का कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि 2 इक्वेशंस ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग of linear mass density 0.04 kg per meter is given by, ये question दे रखा है, the tension in the string is, है ना, तुम्हें tension पूछा है। तो काम करते हैं, mass density दे रखी है, linear mass density दे रखी है, अगर हम wave की velocity की बात करें, है ना, तो wave की velocity को हम omega by k लिख सकते हैं, और wave की velocity को हम under root t by mu भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम ओमेगा लिखना चाहे तो ओमेगा कितना हो जाएगा 1/0.04, और अगर हम के लिखना चाहे तो के हो जाएगा 1/0.05। तो यहां से ओमेगा और के की वैल्यू लिख देते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1/0.04, और के की वैल्यू हो जाएगी 1/0.05 इज इक्वल टू अंडर रूट, टेंशन हमें निकालना है, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.04, है ना, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.04, ठीक है। इन सबको सॉल्व कर लीजिए, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 6.25 न्यूटन आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए ये ओमेगा और के की वैल्यू रखते समय, है ना, हमने ये 2 पाई नहीं लिया, ठीक है, 2 पाई लेने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमेगा और के जो है रेशियो में है, तो ये 2 पाई एनीवे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई आप लिखे या नहीं लिखे उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, सुनो, ये सुनो, मीटर वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज फिक्स्ड, इज मेड ऑफ स्टील, द टेंशन इज इन इट प्रोड्यूस इलास्टिक स्ट्रेन 1%, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टील इफ डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आर 7.7 × 10⁻³ केजी पर मीटर एंड 2.2 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। तो अब हमसे ये बोल रहा है इसमें रेस्पेक्टिवली, तो व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें बात करनी है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं लिखना चाहूं तो f इक्वल टू लिख सकते हैं बी वाई लैम्डा, ये वाला हमें फार्मूला लगाना है। तो मेनली हमें क्या रहता है, पहले तो हम इसमें बी लिख लें, इसकी स्पीड, और फिर हमें लैम्डा मिल जाएगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बात हो रही, तो लैम्डा हमारे पास अगर ये स्टील है, सिंपल सा इंसुलोमीटर वायर है, तो ये जो लैम्डा हमारे पास यहाँ से मिलेगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा क्या होगा, तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो लैम्डा बाई 2 हमें जो मिल गया वो कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो लैम्डा जो हमें मिल गया वो तो आ गया 3 मीटर आ गया। अब बात करते हैं स्पीड की, तो बी जो लिखा जाएगा वो कितना आ जाएगा, टी बाई म्यू लिखना है, या बी इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूं, अब हमें इसमें दे रखा है टेंशन प्रोड्यूस द इलास्टिक स्ट्रेन। तो इसको अगर अपन लोग अरेंज करना चाहें तो ये वाला अपन लोग फार्मूला लगाएंगे। अब जो हमारे पास टी है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो टी को तो ऐसे लिख लेते हैं, और म्यू जो है ये हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ है, तो
तो एम बाई एल लिखूंगा अगर मैं इसे, और अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो टी मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई एल, ये लिखा जाए। अब हमें ये डेटा चाहिए, वॉल्यूम को अगर मैं लिखूंगा तो एरिया इंटू लेंथ लिखा जाएगा, तो यह आ जाएगा टी इंटू ए इंटू रो आ जाएगा। रो क्या हो गया हमारे पास डेंसिटी, तो टी बाई ए चाहिए। इसके लिए हमें क्या दे रखा है, ये हमें बाई दे रखा है, इसको अगर मैं लगाऊं तो बाई इक्वल टू लिखा जाएगा एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल, जो एफ है इसको अपने लोगों ने बोला है टी बाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। तो अब हमें क्या चाहिए, टी बाई ए चाहिए, तो टी बाई ए अगर मैं लिखूंगा तो बाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, तो हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला बन गया वो कितना बन गया, बाई इंटू डेल्टा एल इंटू डेंसिटी डेल्टा एल अपॉन एल बनेगा। ये जो आएगा हमारे पास स्पीड बी इक्वल टू बाई डेल्टा एल अपॉन एल इंटू रो, तो ये फार्मूला बनेगा। इसमें बाई हमें दे रखा है, डेल्टा एल अपॉन एल 1% दे रखा है और रो दे रखा है। इसको जब आप पुट करोगे तो जो हमारे पास आंसर बनेगा, आंसर आएगा इसका सेकेंड सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास 0.1 केजी एंड लेंथ 2.45 मीटर हैंग्स फ्रॉम अ सीलिंग, द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव डेवलप्स अपॉन टेंशन एट अ पॉइंट एंड द टेंशन इज वेरिएबल इफ द स्ट्रिंग हैविंग मास, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द रोप एट अ पॉइंट 0.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। तो हमें जो है इस स्ट्रिंग में क्या बताना है, इस स्ट्रिंग में 0.5 मीटर से पे जो है वेलोसिटी बतानी है वेव की। तो काम करते हैं, लेट्स से मैं यहां तक की बात करता हूं, लेट्स से कोई जनरल डिस्टेंस हम लोग x ले लेते हैं, है ना, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है, या एक काम करें डिस्टेंस हम यहां तक ही ले लेते हैं, है ना, जब वेव पल्स यहां पर है मैं यहां तक की डिस्टेंस x ले लेता हूं, और अगर हम लोग यहां तक की डिस्टेंस अगर x ले लें और अगर इस पॉइंट पर अगर हम टेंशन फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो लेट्स से नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कर लेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, इस पॉइंट पर हमें टेंशन फाइंड आउट करना है, तो इस इतने से पार्ट का हम एफबीटी बनाते हैं, ठीक है, लेट्स से पूरे स्ट्रिंग का मास एम है, तो इतने से पार्ट का जो मास होगा वो कितना होगा, वो होगा एम डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स, एज्यूमिंग की टोटल लेंथ एल है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अगर हम यहां पर टेंशन टी लिखना चाहें तो ये टेंशन टी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा m into g के बराबर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि टेंशन t is equal to m divided by l into x into g। ये m divided by l क्या है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं टेंशन t is equal to मास पर यूनिट लेंथ into x into g। तो यहां से आ जाएगा t divided by mu is equal to x into g। Let's say हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये अंडर रूट टी बाय क्यू जो है ये आ जाएगी वेव की वेलोसिटी, तो वेव की वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट जी इनटू एक्स। अब देखें पूछा क्या है इसमें, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द रोप एट अ पॉइंट 0.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड, ठीक है, तो वेव की जो वेलोसिटी देखें यहां से हम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं अंडर रूट जी इनटू एक्स, जी इनटू एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी इनटू जी को लेट्स से 10 लिखते हैं, जी को 10 लिख देते हैं, 10 इंटू 0.5, तो ये रूट 5 हो जाएगा, और रूट 5 की वैल्यू अगर हम देखें तो रूट 5 की वैल्यू जो है 2.21 के आसपास आनी चाहिए। इवन दो आपको रूट 5 की वैल्यू याद नहीं है तो भी हम कह सकते हैं कि 1.2 तो नहीं होगी, 2 से ज्यादा हुई है ना, 2 से ज्यादा होगी और 3 से ऑब्वियसली कम होगी, तो 2 से ज्यादा और 3 से कम एक ही ऑप्शन है, तो फर्स्ट आंसर हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन ऐसे है, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास 0.1 केजी एंड लेंथ, ओके सेम क्वेश्चन है और इसमें दूसरी बात पूछ रखी है, क्वेश्चन ये पूछ रखा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रांसवर्स वेव टू ट्रैवल अ फुल लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है, हम वेव की वेलोसिटी की बात करते हैं, वेव की वेलोसिटी हमने कितनी कैलकुलेट की, वेव की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की अंडर रूट जी इंटू एक्स, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसे सॉल्व कर लेंगे, तो उसको स्क्वायर कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू g इनटू x, लेट्स डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 2v dv by dx इज इक्वल टू g,
और ये VdV by dx क्या होता है? VdV by dx acceleration होता है, और acceleration किसके बराबर है? G by 2 के बराबर है। एक अच्छी बात हमें यहां से ये पता चल रही है कि जो acceleration है वो constant है ना, और acceleration constant है, और wave की जो velocity है वो x के directly proportional है। अगर मैं बात करूं कि रस्सी इतनी बड़ी है और नीचे से अगर हम लोग यहां से x मेजर करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये x is equal to 0 होगा, तो इस पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी? जीरो होगी। एक्सेलरेशन g by 2 कांस्टेंट है, तो हम यहां पर s equal to ut plus half at square अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। हम यहां पर लिख सकते हैं s is equal to ut plus half at square, तो डिस्प्लेसमेंट जो है 2.45 मीटर दे रखा है, है ना, is equal to 1 by 2 into acceleration is g by 2 into time square. तो ये टाइम स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.45 into 4 divided by g को 9.88 देते हैं, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो ये स्क्वायर अब नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर हमें, तो ये हमारा टाइम हो गया, तो ये सॉल्व करके जो है ये सॉल्व करके 1 सेकंड आ जाएगा, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 सेकंड, 1 सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर फिक्स्ड एट बोथ एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो एक इक्वेशन हमें दे रखी है वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर एंड टी इन सेकंड। तो ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन का इसमें जो पहला पार्ट बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है इसको एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं तो ये यहां से हमारे पास आएगा, इसको अगर मैं लिखूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो बाई मैक्स अगर हमें लिखना है वो लिखा जाएगा 4 साइन पाई एक्स बाई 15। तो एक्स की वैल्यू रख दूंगा तो ये हो जाएगा 4 साइन पाई इंटू एक्स हमें कितना दे रखा है 5, तो 5 बाई यहां 15 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 साइन पाई बाई 3। मतलब ये कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री हो गया, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 बाई 2। तो ये हो गया 2 अंडर रूट 3। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? 2 रूट 3 सेकंड हो जाएगा जी। नेक्स्ट अब आप इसे करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पैराग्राफ में है, वेयर आर द नोड्स लोकेटेड अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है? तो क्वेश्चन में एक बात देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वेव की इक्वेशन दे रखी है। वेव की इक्वेशन में अगर हम देखें तो k जो है, k की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 50। तो k को हम लोग क्या लिख सकते हैं? k को लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाय 15। तो लेट्स सी, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे जो लैम्डा बाय 2 की वैल्यू आएगी, तो लैम्डा बाय 2 जो है ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? तो हम क्या जानते हैं, यदि हमारे पास एक स्टैंडिंग वेव होता है, ठीक है, एक छोटी सी बात और चेक कर लें, अगर हम x equal to 0 डाल करके देखेंगे, x equal to 0 डाल करके देखेंगे तो y 0 हो जाएगा, इसका मतलब x equal to 0 पे एक नोड होगा, तो x equal to 0 पे एक नोड होगा और अगला नोड लैम्डा बाय 2 पे मिलेगा, मतलब 15 सेंटीमीटर पे मिलेगा, ठीक है? और अगला नोड जो है वो फिर से और एक लैम्डा बाय 2 पे मिलेगा, तो एक तो 15 सेंटीमीटर पे मिलेगा, फिर अगला 30 सेंटीमीटर पे मिलेगा, और 15 के मल्टीपल पर मिलता रहेगा, कब तक मिलता रहेगा? तो 60 सेंटीमीटर तक मिलता रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 पे, 15 पे, 30 पे, 45 पे और 60 पे, तो इन सारे जगह पर आपको नोड मिलेगा, तो आंसर हमारा पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड t इक्वल टू 0.25 सेकंड, ठीक है? अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना चाहे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं dy / dt। तो dy / dt अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 * ये साइन वाला पार्ट तो एज इट इज रह जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आएगा, यहां पर एक आ जाएगा माइनस और एक 96 पाई और बाहर आएगा, तो ये आ जाएगा 96 पाई इनटू साइन पाई एक्स बाय 15 पाई एक्स डिवाइडेड बाय 15 इनटू साइन 96 पाई टी साइन 96 पाई टी, ठीक है? अब करना क्या है हमें, अब करना हमें ये है कि x की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर डालनी है और t की वैल्यू 0.25 डालनी है, ठीक है? तो यहां पर तो 96 है, t की वैल्यू 0.25 डालेंगे, तो लेट्स इतना ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो ये हो जाएगा 96 into t 0.25, ये हो जाएगा 96 divided by 4, तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा, ये बनेगा 24 है ना, ये हो जाएगा 24। तो कहने का मतलब है ना कि यहां पर आ जाएगा 24 पाई टी, साइन ऑफ 24 पाई टी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर हम लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या लिख लेंगे, -4 इंटू 96 पाई इंटू साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 15 इंटू साइन ऑफ 24 पाई। और ये जो साइन 24 पाई है ये जीरो होना चाहिए क्योंकि ये 2 पाई का मल्टीपल है। ठीक है, तो जो फाइनल जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा पॉसिबल वेव्स ऑफ दीज स्टेशनरी वेव आर। तो देखो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि 3 मीटर है और ये एक एंड पे फिक्स है और इसकी हमें स्पीड दे रखी है और दूसरा एंड इसमें फ्री है। तो ये कन्फर्म है जो हमें इसमें वेव बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ये और इधर क्या रहेगा, थ्री एंड पे एंटी नोड बनेगा। तो जो हमारे पास लैम्डा होगा हमारे पास वो क्या चलेगा, थ्री लैम्डा बाई 4 के फॉर्म में चलेगा। ये अपने लोगों ने जो लेंथ होगी वो होगी 2L+1 लैम्डा बाई 4। तो इसको एक बार मैं लिख देता हूँ पूरा डेटा, फिर उसमें वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो लैम्डा हमें यहां से मिलेगा वो आएगा 4L+2N+1। ये लैम्डा आ गया तो इसके थ्रू हम लोग के लिख सकते हैं, के कितना बनेगा 2π/λ, या इसको आप बोलो 2π 4L 2N+1। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हम लोग ओमेगा की बात कर लेते हैं। तो स्पीड हमें दे रखी है तो बी इक्वल टू हम लोग क्या लेकर चलेंगे, ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना हो जाएगा हमारे पास, बी इंटू के हो जाएगा। तो बी तो हमें दे रखा है इसमें 100, के की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो ये आ जाएगा 2π/4L 2N+1। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब अपन लोग साइन स्टैंडिंग वेव बनेगी, लेंथ भी 3 मीटर दे रखा और लेंथ भी हमें 3 मीटर दे रखा। तो इसको अगर मैं लेंथ को 3 मीटर रख दूं तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास π/6 2N+1। और ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास इसको इसे सीधे काट दो तो ये हमारे पास बन जाएगा 25 बन जाएगा। तो 50π/3, तो ये 50π/3 2N+1 ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको हम लोग सेकंड बोल देते हैं, उसको ये वाले डिलीट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई और ये सेकंड आ गई। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन में बात करें तो पहले ये एक ऑप्शन में चेक करके बता देता हूं ये वाला कि अपना सही है या नहीं है। तो चेक करते हैं, अगर मैं एन को जीरो रखूं तो के जो हमारे पास आएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, के जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा π/6 आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 50, ओमेगा जो आ जाएगा हमारे पास 50π/3 आ जाएगा, 50π/3। तो इसमें वैल्यू हमें पुट करके देखनी है, जैसे जैसे वैल्यू पुट करेंगे अपने आंसर आता जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखो 5/6 × 50π/3 आ रहा है, तो ये अपना ऑप्शन सही है। अपने लोग नेक्स्ट की अगर बात करें तो अब ये पाई बाई थ्री अगर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है तो अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा हमारे पास पाई बाई थ्री जी। एन इक्वल टू 1, 2, 3 आप जो भी रखोगे उस पर आंसर सेट नहीं होगा। एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, अगर एन इक्वल टू को मैं 1 लेके चलता हूँ, एन इक्वल टू रख लेते हैं जी। तो एन इक्वल टू अगर मैं 2 रखूं यहाँ पे, अगर मैंने लिखा एन इक्वल टू 2 तो जो के बनेगा यहाँ पे वो वैल्यू आएगी हमारे पास 5π/6 ये आनी चाहिए और ओमेगा आना चाहिए हमारे पास 250π/3। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो अपना थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास चौथा ऑप्शन भी सही आएगा और ये ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमें इस वेव का इक्वेशन बनाना है
और t इक्वल टू 0 पे वेव वेव कैसा दिख रहा है ये बताया गया है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेट्स से वेव का इक्वेशन हम लोग ऐसे मान लेते हैं, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5 ऐसा हम लोग वेव का इक्वेशन मान लेते हैं। और यहां हमें दिख रहा है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 दे रहा है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, चलो एम्पलीट्यूड को 1 लिख लेंगे। अब एक छोटी सी बात देखिए, अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करूं पर t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 की बात करूं, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 जो है ये माइनस 0.5 है ये वैल्यू माइनस 0.5, तो t इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 रख करके देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड को 1 लिख लेते हैं इनटू साइन, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 5। तो यहां से जो साइन 5 की वैल्यू आ गई ये आ गई माइनस 1/2। तो देखिए यहां से अगर हम फाइव की वैल्यू लिखना चाहें, है ना, यहां से अगर हम फाइव की वैल्यू लिखना चाहें तो फाइव की वैल्यू हो जाएगी 180 प्लस पाई बाय 6 पे साइन नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा 180 प्लस पाई बाय 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 6। और अगर हम माइनस पाई बाय 6 देखेंगे, लेट्स से माइनस 30 डिग्री, तो वहां पर भी वैल्यू जो है ये माइनस 1/2 आएगी, तो एक आंसर और माइनस पाई बाय 6 आना चाहिए। तो फाइव की ये दो पॉसिबल वैल्यू यहां से आ रही है, इसमें से कौन सा आंसर होगा, क्या दोनों होगा या एक ही होगा, ये हमें और चेक करना चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि वेव जो है अगले इंस्टेंट पे कैसा दिखाई देगा, है ना। अगले इंस्टेंट पे अगर वेव देखें तो अगले इंस्टेंट पे ये वेव जो है ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये यहां तक जाएगा, तो इस पॉइंट पर जो वेव की वेलोसिटी है ये अपवर्ड है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं वेव की वेलोसिटी के लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो वेलोसिटी हो जाएगा dy by dt, है ना। तो dy by dt अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा cos cos kx माइनस ओमेगा t cos kx माइनस ओमेगा t प्लस 5 प्लस 5। और अगर फिर से अगर हम x equal to 0 और t equal to 0 की बात करें तो वेव की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस a ओमेगा cos 5 माइनस a ओमेगा cos 5, ठीक है। चले तो यहां से अगर हम देखेंगे कि वेव की वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो अगर हम माइनस पाई बाय 6 रखेंगे ना, तो माइनस पाई बाय 6 रखेंगे तो कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, तो वेव की वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस पाई बाय 6 नहीं होना चाहिए। जब 7 पाई बाय 6 रखेंगे तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। फाई की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 7 पाई बाय 6। तो अगर हम वाई की वैल्यू देखें, वेव का इक्वेशन अगर देखें, तो वेव का इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा t kx माइनस ओमेगा t प्लस 7 पाई बाय 6, है ना। प्लस 7 पाई बाय 6 को चलो ऐसा लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 ऐसा लिख लेते हैं। और sin पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस sin थीटा होता है। तो लेट्स से यहां से लिख लेंगे y इज इक्वल टू माइनस a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5 बाय 6। और एक काम कर सकते हैं, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा भी होता है, तो इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा t पॉजिटिव हो जाएगा kx माइनस kx और ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस में पाई बाय 6, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, है ना। इस जगह पर अगर हम लोग kx माइनस ओमेगा t प्लस 7 पाई बाय 6 लिखेंगे तो ये भी बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है, और अगर इस तरह से लिख सके तो ऐसे भी ठीक है, जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फिगर शोन द शेप ऑफ पार्ट ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिंग इन व्हिच द ट्रांसवर्स वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय अटैचिंग वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑन ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, व्हाट इज द वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी इसमें बतानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमें फ्रीक्वेंसी तो हमें दे रखी है कितनी 250 हर्ट्ज, तो ट्यूनिंग फॉर्क की दे रखी है। अब मैं अगर यहां से बात करूं तो ये जो बनने हमारे पास, इनसे हमें कितना मिल जाएगा, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, लैम्डा बाई 2 हो जाएगी। तो लैम्डा बाई अगर मैं 2 लिखूं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.3 सेंटीमीटर और माइनस का 0.1, तो कितना बनेगा 0.2 सेंटीमीटर बन गया, मतलब लैम्डा हमारे पास कितना हो गया 0.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारी बात हो रही है किसमें, इसमें तरंग का वेग लिखना है, तो b इक्वल टू अपने मैं लिख सकता हूं f * लैम्डा, फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फॉर्क की होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसको मैं लिख लेता हूं 250 * अब ये सेंटीमीटर, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.4 * 10 to power -2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो
ये 250 है हमारे पास, ये तो हट जाएगा, तो ये बनेगा 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है सर जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्यूब 12 मीटर लॉन्ग एंड अ वेट 900 ग्राम इज फास्टेंड टू अ फिक्स्ड सपोर्ट एट वन एंड, द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज एट is attached by a rope and it passes over a pulley and support a 5 kg block. The tube is given a transverse blow at one end. The time required for the pulse to reach at to the other end is. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, ये 12 मीटर का है, ये हमारे पास 5 kg का एक ब्लॉक है और इसको हमने एक पुली से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये 5 kg का ब्लॉक है तो ये ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्यूब के अलग अलग पॉइंट पर जो है, अगर कोई जनरल पॉइंट अगर हम यहाँ से x ले लें तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो x का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन अगर x का फंक्शन होगा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा ये भी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होगा। तो हम अगर वेलोसिटी निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में, ठीक है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो है उसको इंटीग्रेट करके देख लेंगे कि कितना टाइम लग रहा है उसको सॉल्व करने, उसको पहुंचने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं। इसका जो मास है ना, इसका मास वैसे तो 5 केजी है लेट से, लेकिन हम इसे कैपिटल एम मान लेते हैं और इसका मास 900 ग्राम है, स्मॉल एम है जो किसको मैं लिख देता हूं 0.9 केजी। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं 5g माइनस 0.9g डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.9 दैट इज 5.9। तो ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 4.1, सॉरी ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 4.1 डिवाइडेड बाय 5.9 इनटू जीजी, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना? नहीं नहीं, ये एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन तो पुलीज का है, हाँ, और ये कांस्टेंट होगा, है ना। अब एक काम करते हैं, अब मैं इस जनरल पॉइंट पर टेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पर अगर हम एक टेंशन फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है, तो मैं इतने से पार्ट का एफबीडी बनाता हूं, इतने से पार्ट का एफबीडी बनाओ तो नीचे फोर्स क्या लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा m डिवाइडेड बाय l इनटू x इनटू g, है ना। ये तो उसका वेट हो गया और ऊपर एक टेंशन t आ जाएगा और इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है ऑब्वियसली जो है ये ऊपर की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम टेंशन t लिखना चाहें, है ना, तो टेंशन t कितना हो जाएगा, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है इसके, इसका एक्सेलरेशन है, तो टेंशन टी हो जाएगा m डिवाइडेड बाय l इनटू x इनटू g प्लस a। तो इतना टेंशन जो है इस पॉइंट पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर हमने टेंशन कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए, जब हमने अगर टेंशन कैलकुलेट कर लिया, ये जो क्वांटिटी है मास बाय लेंथ, ये मास बाय लेंथ जो है ये मास डिवाइडेड बाय लेंथ म्यू हो जाएगा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं t डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल टू g plus a into x। और t divided by a जो है ये velocity का square है, तो ये हो जाएगा velocity का square is equal to g plus a into x। इसको differentiate कर लेते हैं x के respect में differentiate करेंगे तो ये हो जाएगा 2v dv by dx is equal to, ये हो जाएगा g plus a v dv by dx। ये क्या हो जाएगा, ये acceleration हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ध्यान दे लें, दो एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन तो यहां पर किसका है, ब्लॉक और ट्यूब का है। ये वाला जो एक्सेलरेशन आएगा ये वेव का एक्सेलरेशन आएगा, तो इसको मैं ए डब्ल्यू लिख देता हूं। ए डब्ल्यू जो है ये वेव का एक्सेलरेशन है और ये हो जाएगा जी प्लस ए डिवाइडेड बाय टू, और ये वेव का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अगर एक पल्स जो है वो यहां से यहां तक ट्रेवल करता है, इसको कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हम लिख लें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ठीक है, और g प्लस a है तो g प्लस a को लिख देंगे g प्लस, और यहां से a लिख लेते हैं 4.1 g डिवाइडेड बाय 5.9,
तो ये हो जाएगा 4.1g डिवाइडेड बाय 5.9। तो देखिए इसको यदि आप सॉल्व कर लेंगे ना तो टाइम जो है यहां से 1.67 सेकंड आ जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशन जो है वो स्लाइटली लेंदी है हाँ, लेकिन इसको करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.67 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए हैवी स्ट्रिंग इज टाइड एट वन एंड टू ए मूवेबल सपोर्ट एंड टू ए लाइट थ्रेड एट द अदर एंड। एज सून इन फिगर द थ्रेड गोज ओवर ए फिक्स्ड पुली एंड सपोर्ट द वेट ऑफ वेट टू प्रोड्यूस ए टेंशन। द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विद व्हिच दे हैव द स्ट्रिंग रेजोनेट इज 120 हर्ट्ज। ए मूवेबल सपोर्ट इज पुश्ड टू राइट बाय 10 सेंटीमीटर सो दैट जॉइंट इज प्लेस्ड ऑन द पुली। What will be the minimum frequency at which the heavy string can resonate? देखो इसमें हमें एक बात जो क्वेश्चन लिया गया है वो इसके लिया गया है, इसमें हमें दे रखा है एक ये लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसमें देखते हैं हम लोग लाइट स्ट्रिंग कहां पे लिखा है, ये लाइट थ्रेड बोल रखा है। तो लाइट थ्रेड का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, ये फ्री एंड हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, और जो फ्री एंड इसको कंसिडर करेंगे तो क्या मानेंगे कि यहाँ पे एंटीनोड बनेगा। एंटीनोड बनेगा तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या चलेगी, वो लैम्डा बाई 4 की फॉर्म में चलेगी। अब इसको क्या बोला, इसको हमने 10 सेंटीमीटर इधर खिसका दिया, जब इसको हमने इधर किस कर दिया तो क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बनाऊं तो जैसे अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ये यहां पे है, एक ये दे रखा है और ये हमारे पास ये कोई थिक स्ट्रिंग दे रखी है और ये लाइट दे रखी है, ये पुली है कुछ इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम होगा। तो अगर हम लोग चेक करें ना जब ये वाला केस होगा तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पे ये एंटी नोड बनेगा, ये इस तरीके से ये भाई पहला केस होगा। दूसरे केस में क्या होगा, ये पुली है और ये हमारे पास ये जो थिक स्ट्रिंग है ये हमारे पास यहां आ गई, तो अब क्या होगा यहां पे भी हमारे पास नोड बनेगा और यहां पे भी नोड बनेगा, तो ये कुछ वेव इस तरीके से होगी, मतलब इस तरीके से आएगी हमारे पास ये वेव। तो क्या होगा हमारे पास जो लैम्डा यहां पर होगा उससे ये जो लैम्डा होगा हमारे पास डबल हो जाएगा जी, और जो टेंशन है वो भी सेम है, स्ट्रिंग भी सेम है, तो स्पीड भी सेम होगी हमारे पास। तो अगर मैं लैम्डा की बात करूं तो एन जो लिखूं यहां पे तो वो कितना लिखा जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 4 की फॉर्म में, या लैम्डा जो चलेगा वो कैसे चलेगा हमारे पास 4l की फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंपल सा ये लिख लेते हैं, लैम्डा जो चलेगा हमारे पास एन इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 4। तो जो लैम्डा लिखा जाएगा वो चलेगा 4l डिवाइड बाई 2n+1। ये पहली इक्वेशन हमारे पास आएगी, इसको मैं बोलता हूँ लैम्डा 1 बोल देता हूँ, लैम्डा डैश। दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे लेंथ चलेगी वो चलेगी क्या, n लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में चलेगी, या लैम्डा जो चलेगा वो कितना चलेगा 2l/n के साथ में। तो यहाँ सिंपल सा समझ में आ रहा है जो हमारे पास ये लैम्डा है ये इससे डबल होगा। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं लोग, फ्रीक्वेंसी हमें इसमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है नेक्स्ट क्वेश्चन में 120 हर्ट्ज दे रखी है। तो स्पीड सेम है, टेंशन सेम है, तो अगर जो हमारे पास जो वेव होगी उसके लिए बी इक्वल टू में लिखूंगा तो एफ लैम्डा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा, तो एफ वन लैम्डा 1 इक्वल टू एफ टू लैम्डा 2 हो जाएगी। तो एफ वन हमारे पास कितना है 120, यहाँ पे जो लैम्डा होगा वो कितना दे रखा है हमें 4l दे रखा है। इसकी बात करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास एफ टू, फंडामेंटली बात कर रहे हैं लोग, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2l हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो F2 आएगा इससे सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 240 हर्ट्ज आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो गया 240 हर्ट्ज हो जाएगा जी। बस एक छोटी सी बात यहां पर क्लैरिफाई कर लीजिए कि जो लैम्डा डबल कह रहे हैं ना, तो ये पहला वेवलेंथ और पहला वेवलेंथ कंपेयर कर रहे हैं तब डबल हो रहा है, है ना, हर समय डबल नहीं है, है ना, सिर्फ पहले पहले वेवलेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। पहला वेवलेंथ कंपेयर करेंगे तो 4 है, यहां से पहला वेवलेंथ कंपेयर करेंगे तो 2 है, है ना, बाकी सारे कंपोनेंट्स जो होंगे वो डबल नहीं होंगे, है ना, सिर्फ पहले वाले को ही कंपेयर करना है। अब आगे बात करते हैं लोग जी, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज स्ट्रेच्ड बिटवीन द 2.1 मीटर अपार्ट, द वायर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड वेट 9 kg इज हंग ओवर द पुली एट द अदर एंड। ठीक है, प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 750 हर्ट्ज। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेटिंग इन द वायर। तो हमें क्या दे रखा है, अगर फंडामेंटल है और लेंथ जो है वो 1 मीटर के बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब जो लैम्डा बाय 2 है ये 1 मीटर है, तो वेवलेंथ जो है वो 2 मीटर दे रखा है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो है 750 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी,
ये आ जाएगी 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 बोला फोर हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल इंटेंसिटी आई नॉट हैव फेज एंगल 0π/3 2π/3 एंड पाई व्हेन दे आर सुपरपोज्ड द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव इज एन आई नॉट द वैल्यू ऑफ एन। तो देखो हमें इसमें फोर वेव दे रखी है, तो एक सिंपल सा इनमें जो फेज डिफरेंस दे रखा है 0π/3 2π/3 एंड पाई, तो ये वाली जो वेव होगी और ये वाली, ये तो हो जाएंगे कैंसिल जी, क्यों इसमें फेज डिफरेंस कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब ये दो वेव है उनकी इंटेंसिटी हमें कितनी दे रखी है आई और आई दे रखी है नॉट है सभी की आई। हां, तो अगर मैं इसके लिए फाई लिख लेता हूं, इन दोनों का जो फेज डिफरेंस अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा 2π/3 -π/3 माइनस का π/3, तो ये कितना आएगा π/3 बचेगा। अब इंटेंसिटी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला हमें पता है, आई इक्वल कितना हो जाएगा आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस टू रूट आई नॉट आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस π/3। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करें तो ये तो 2i0 हो गया, यहाँ से ये π/3 की जो वैल्यू आएगी cos π/3 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3i0 आ जाएगा। तो जो n की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका n इक्वल टू, यहाँ से आंसर बनेगा n इक्वल टू 3 जी। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और अगली गुरु नीति में जो है हम लोग वेव थ्योरी 2 डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें हम लोग मेनली साउंड वेव डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है।